इस रहस्य को जिसने भी समझ लिया, ये मानिए कि उसने दुनिया को जीतने का नियम समझ लिया। मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे आज से अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जैसे किसी रंग को पानी में मिलाने पर पानी अपना रंग बदल लेता है। और ये अटल है कि अगर आप इस नियम के साथ चलते हैं आपके जीवन में रोज़ चमत्कार होंगे। एक बार की बात है, कुछ मॉन्क पहाड़ों में अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक लड़का बैठा दिखाई दिया। मॉन्क ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ, जंगल में क्या कर रहे हो? लड़के ने झुंझलाकर कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मॉन्क ने उसके सर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से दोबारा पूछा, बेटा मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। लड़के ने दबी हुई आवाज़ में बोला कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी काम करता हूँ सब बेकार हो जाता है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे ऊपर हर तरफ से मुसीबत आने लगी, मेरा परिवार बुरी हालत में आ गया है, मैंने पता नहीं ऐसा क्या किया है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। मॉन्क ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकलने का रास्ता समझाता हूँ। लड़का मॉन्क के साथ चल दिया। मॉन्क और लड़का एक पहाड़ के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। लड़का डरने लगा और बोला, गुरुजी मैं पहली बार पहाड़ों में आया हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मॉन्क बोले, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और लड़के से कहा, अब बताओ कि तुम इस दुनिया के बारे में कैसा महसूस करते हो। लड़के ने पहले कुछ सोचा, फिर अचानक ज़ोर से बोला कि दुनिया बहुत बुरी है, हर तरफ दुख है, तकलीफ है, कोई किसी का साथ नहीं देता। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, पहाड़ों में वही शब्द गूंजते हुए सुनाई देने लगे, दुनिया बहुत बुरी है, हर तरफ दुख है, तकलीफ है। लड़का पहली बार ऐसी जगह आया था, उसे लगा कि ये कोई है जो मेरी नकल कर रहा है। लड़का और ज़ोर से बोला, ये कौन पागल है जो मेरी नकल कर रहा है। फिर से वही हुआ, उसके बोले हर शब्द वापस उसे सुनाई देने लगे। उसने गुस्से में मॉन्क से पूछा, ये कौन है? मॉन्क ने कहा, मैं समझाता हूँ, तुम अब मुझ पर ध्यान देना। मॉन्क ने ज़ोर से बोला कि दुनिया बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ से भी वही आवाज़ आई। मॉन्क ने दोबारा बोला, दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहाड़ों में यही शब्द गूंजने लगे। लड़का बोला, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या चल रहा है? मॉन्क ने कहा, ये प्रकृति की प्रतिध्वनि है और बेटा यही कर्म की नीति है, आप जो दूसरों को देते हैं, बांटते हैं, वही आपको वापस मिलता है। लड़का ये सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया और नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, गुरुजी मुझे क्षमा करें, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं वास्तव में बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने हमेशा सिर्फ अपना फ़ायदा ही सोचा है, भले ही किसी का कितना भी नुकसान हुआ हो, सब मेरी गलती है और मैं भगवान को दोष दे रहा था, मैं अपनी किस्मत को दोष देता रहा जबकि सारे दोष मुझ में हैं। दरअसल मॉन्क ने जब उस लड़के के सर पर हाथ रखा था, तभी मॉन्क को सब कुछ पता चल चुका था कि वह एक स्वार्थी इंसान है, उसने पूरे जीवन भर अपना ही फायदा देखा, भले ही उसके लिए दूसरों को दुख मिले, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मॉन्क ने उसे समझाने के लिए ये तरीका अपनाया। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब इंसान चारों ओर से मुसीबत में घिर जाता है तो बस उसके मन में एक ही बात घूमती है कि सारी दुनिया खुश है लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है, ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे सजा मिल रही है। इस कहानी का सीधा सरल नियम है, आप खुशी बांटोगे तो खुशी ही मिलेगी और परेशानी बांटोगे तो परेशानी ही मिलेगी। एक बार अपनी सोच में इसे शामिल करके देखें, आप जीवन में हर दिन चमत्कार देखेंगे।